भोजपुर दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमा शंकर पांडे का त्रिशिवा जयंती उनके आवास पर मनाई गई, जिसमें विद्वत समाज के कई लोगों ने एक साथ सुंदर कांड पाठ कर प्रोफेसर डॉक्टर पांडे जी का दीर्घ आयु का प्रार्थना किए। आज हम सभी एकजुट हैं, एक जगह पर हैं और एक साथ बैठकर इस जिले का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, देश में जो अपना एक अलग पहचान बनाए हैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी का 30वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। 83 वर्ष की लंबी आयु जो उन्होंने गुजारा और हम सभी को, इस जनपद को, इस बिहार को, देश को आगे बढ़ाने में जो इनका सहयोग है, आज सभी ने प्रातः काल से ही जहां सुंदर कांड की पाठ हुई, हनुमान जी की आरती गाई गई, ताकि यह देश, यह राज्य, यह जिला हमारा विकास करे और उसको लेकर बहुत कुछ अभी दिलों में, बहुत से विद्वान यहां बैठे हुए हैं उनके मनों में है। जन्म दिवस के अवसर पर लोगों के क्या है विचार, भोजपुर दर्शन के माध्यम से आप सुने और जाने, और आपकी भी शुभकामना हो कि जो भी अभी बाकी है, जो भी विकास में जो कुछ करने के लिए अभी बहुत कुछ है, और मैं चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी, जो चैरिटेबल भोजपुर दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनका एक जीवन पर, जीवनी पर आधारित एक पुस्तक का भी लोकार्पण आने वाला समय में हो, और इसके लिए सभी भोजपुर वासियों से, बिहार वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी बहुत काफ़ी करीब हैं, बहुत कुछ हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप अपनी लेखनी के द्वारा लिखकर भोजपुर दर्शन कार्यालय में दें, ताकि एक पुस्तक का लोकार्पण किया जा सके, उसका प्रकाशन किया जा सके। मैं सबसे पहले मधुकर तिवारी जी से बात करता हूँ कि आप क्या कहेंगे इस जन्मदिन के अवसर पर, आप क्या कहें? माननीय डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी मानवता की मंगलमय विभूति रहे हैं। ये साहित्य एवं विज्ञान के सशक्त सलाहकार होते हैं। उदात्त चरित्र संपन्न, विद्या विनय विवेक के विमल बारिज, सादगी सेवा एवं सच्चाई के शुभ केतु, गति एवं सुमति के सफल जादूगर, मानवता की मंगलमय विभूति, समाज के सशक्त प्रहरी, सबके शुभचिंतक और अतिशय सरल विचार संपन्न, उदात्त व्यक्तित्व युक्त माननीय उमा शंकर पांडे जी एक अलौकिक व्यक्तित्व व्यक्ति रहे हैं। आज इनकी आवश्यकता तो है ही, भविष्य में भी इनकी जरूरत है। अस्तु, मैं मंगलमय भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सतायु ही नहीं, दीर्घायु ही नहीं, लोमसायु बना दें, तो समाज का कल्याण होगा, शिक्षा जगत का कल्याण होगा, विज्ञान जगत का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। वस्तुतः वास्तव में ये एक संत हैं। संत का जो विचार होता है, संत का जो स्वभाव होता है, संत का जो समाज के प्रति भाव होता है, सब इनमें वर्तमान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके लोमसायु जीवन की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना कि संत विचारधारा और संत की तरह रहने वाले डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी के बारे में मधुकर जी ने कहा कि विज्ञान के लिए, इस समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए, समाज के लिए, हिंदी के लिए, चाहे किसी भी विद्या के लिए डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी का रहना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। बात आती है कि सभी के मनों में बसने के पीछे क्या है कारण, कौन सी ऐसी राज है जो सबके दिलों में बसते हैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी, क्या कहेंगे आप? हम श्री उमा शंकर पांडे जी के शिष्य रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं इनके से, इनसे उसी समय से हम जानते हैं
अपने पुत्र की तरह व्यवहार करते हुए सभी विद्यार्थियों को सामान्य रूप से देखते हुए अपने भविष्य को बनाने के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते थे एवं उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आज जो भी हैं इन्हीं का आशीर्वाद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे गुरुदेव हजारों बरस जिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आशीर्वाद, क्योंकि पुत्र के समान मानना, संत होना साधारण बात नहीं है, संत का आचरण करना साधारण बात नहीं है। अगर पुत्र माने तो पुत्र की तरह व्यवहार करना, सबके कुशल क्षेम के बारे में जिज्ञासा रखना, यह होता है संत की प्रवृत्ति। वैसे बहुत से शिष्य, हजारों नहीं लाखों शिष्य आज डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी के बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं, लेकिन आज भी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति उतना ही है जो पहले था और भविष्य में भी शायद रहेगा। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी के 183वीं जन्म तिथि पर मैं भगवान से कामना करता हूं कि इनको दीर्घायु बनाए रखें। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब विज्ञान के प्राध्यापक होते हुए भी संस्कृत पर भी इनका उतना ही पकड़ है, और ऐसे कम विभूतियों में ऐसे देखने को मिलती है कि संस्कृत और विज्ञान एक साथ दोनों पर कमांड हो। मैं इनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। आपने सुना कि विज्ञान का शिक्षक होने के उपरांत भी संस्कृत पर इतनी अच्छी पकड़, यह शायद कोई देवी, कोई भगवान की विशेष कृपा ही है, ताकि उस कृपा पर डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी अपनी संस्कृत पर भी एक अच्छी पकड़ बना रखे हैं। यह मेरा कहना नहीं है, यह शिष्यों का कहना है जो काफी वर्षों से, एक लंबी आयु से, एक लंबी लंबे अंतराल से साथ में हैं और बहुत कुछ अनुभव किया करते हैं। इस आज जन्म दिवस के अवसर पर कभी भी आए हैं, इनका क्या कहना है? क्या कहेंगे आप? उमाशंकर पांडे के विषय में मेरा ये मानना है कि अध्यात्म और विज्ञान की संगम है ये, और हमारे अभी नगर आरा प्रचारणी में सबसे जो है किन्हीं सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता में गिने जाते हैं, और हम लोगों का संगत जो है कि इधर 10 वर्षों से हमेशा इनके कार्यक्रम में हम सम्मिलित होते आए हैं, और सबसे विशेषता इनकी है कि मधुर वाणी और रामायण पर जो है किन्हीं विशेष शोध किसे है किन्हीं विशेषज्ञ, और भागवत में भी ये प्रकाशा पर पहुँचे हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये अध्यात्म और विज्ञान के संगम के रूप में संस्कृत के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से ये जो है कि नहीं भारतवर्ष में माने जा रहे हैं, और सनातन धर्म के जो है कि नहीं अग्रगणी एक खंभा है हमारे बीच में, विज्ञान में रहते हुए भी लेकिन सनातन धर्म के विषय में जो है कि नहीं इतने ज़्यादा आगे हैं, और RSS के भी जो है कि नहीं महान कार्यकर्ताओं में अग्रगणी हैं और बड़ी सदस्य उसमें हैं। इनसे हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये उम्र में शतक जमावें और हमारे बीच इसी तरह से भगवान के और महावीर जी की कृपा से चुकी है। महावीर जी के विशेष भक्त हैं और इनके साथ आज भी हम लोग जो है कि नहीं सुंदरकांड किए हैं और हनुमान जी के आरती में भी शरीक हुए हैं, इनका आशीर्वाद के रूप में इनका प्रसाद भी कहा है। मैं इनके कामना करता हूँ कि दीर्घायु हो। संगम, अध्यात्म और विज्ञान का संगम का उदाहरण डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, यह कहना है एक कवि जी का जो इनके शिष्य भी हैं, और बहुत कुछ केवल भारत में ही नहीं जो विदेशों न्यूयॉर्क में भी जाकर विज्ञान और अध्यात्म पर अपना प्रकाश डालकर और भारत का नाम बहुत ही ऊंचा करने का प्रयास किया गया। आप क्या कहेंगे? हम सबसे पहले भोजपुर दर्शन के माध्यम से प्रोफेसर उमाशंकर पांडे, जो पूरे भारत के लिए आरण्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी के मार्गदर्शक हैं, हनुमान जी के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि उनका बहुत लंबी आयु को प्राप्त हों
ऐसा हम सभी का नमन निवेदन उस परम पिता परमेश्वर से है। हमने कभी भगवान उमाशंकर को तो नहीं देखा है, लेकिन इसी अरण्य उमाशंकर के माध्यम से हम सभी हमेशा ओतप्रोत होते रहते हैं कि साक्षात भगवान शंकर के प्रतिमूर्ति के रूप में अरण्य उमाशंकर पांडे जी महाराज हैं। और विज्ञान अध्यात्म मानस के प्रकांड विद्वान ही नहीं, जीवन में जिसने उतारा है ऐसे प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे गुरुदेव प्रोफेसर पांडे जी हैं। हम पूरे युवाओं के प्रति जो इनका स्नेह है, इसलिए युवा वर्ग के माध्यम से हम इनको सष्टांग दंडवत निवेदन अर्पित करते हैं और परमपिता परमेश्वर से यह याचना करते हैं कि ऐसे यशस्वी गुरु का सानिध्य शिष्यों का बना रहे, यही हमारी कामना है। संत के शब्द की बात कहा और आराधना भी किए, शिष्य बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी चाहे कोई भी धर्म की व्यक्ति हो, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला ही व्यक्ति वो संत कहलाते हैं। मिलते हैं गुरुदेव डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी से, जो भोजपुर दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, वैसे तो कई संस्थानों में अध्यक्ष हैं और पूरे भोजपुर नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के अलावा विदेशों में भी इनकी काफ़ी एक अच्छी पहुंच है और अच्छे सारे जगह इनका निमंत्रण आता है, क्योंकि संत को सभी चाहते हैं। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरि सुमिरि नर पावहि पारा। जब हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि क्या मेरे साथ साकेत चलोगे, हनुमान जी ने पूछा कि वहाँ साकेत लोक में या स्वर्ग में राम जी के नाम का कीर्तन होता है क्या, वहाँ सत्संग होता है क्या, तो भगवान ने बताया कि जो कर्म करने का अधिकार मर्त्यलोक में है वह अधिकार स्वर्ग लोक में नहीं है। स्वर्ग के और नरक के प्राणी ये भोग योनियों में रहते हैं, उनको नया कर्म करने का अधिकार नहीं है। जो पुण्य उनके पास रहता है वो पुण्य को भोग करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो पुनः वह मर्त्यलोक में आ जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे आप कृपा करके वरदान दें कि जब तक राम कथा है और जब तक सत्संग राम जी का कीर्तन यहाँ हो रहा है, तब तक मैं इसी शरीर से इसी भूलोक में रहना चाहता हूँ, और जिस काम के लिए आपका अवतार होता है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वह काम करने के लिए मैं इस धराधाम पर इसी रूप में रहना चाहता हूँ। और इसलिए मेरा यह विश्वास है कि हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर हैं और अपने भक्तों के लिए हमेशा वर्तमान रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रह रघुपति के दासा। और इसलिए हम उन्हीं के आश्रय पर, उन्हीं की कृपा पर आधारित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो रामायण सत कोटिमह लिय महेश जिय जान, जिस राम नाम को शंकर भगवान ने ग्रहण कर लिया
उस राम नाम का प्रचार अधिक से अधिक हो, राम नाम का संकीर्तन हो और हनुमान जी के चरित्र का पालन यहाँ के नवयुवक करें और उनके ऊपर आधारित अपना जीवन व्यतीत करें तो देश का भी कल्याण होगा, राष्ट्र का भी कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बात। डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी हमारे गुरु हैं। ये अपने विषय में विज्ञान विषय में तो धुरंधर हैं ही, उसके साथ में संस्कृत में भी उसी तरह से पारंगत हैं। यथा नाम तथा गुण से ये युक्त हैं। उमा और शंकर दोनों का सन्निहित निवास इनमें है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रह्मैव आचरणम करोति यः सः ब्राह्मणः, वह गुण इनमें परिलक्षित होता है। हमेशा उस परमपिता परमेश्वर में ही ध्यान रखने वाले और इस अलौकिक दिव्य आत्मा को हमारा शत शत नमन है। बड़े पिताजी प्रोफेसर यूएस पांडे जी का जन्मदिवस है और मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि ये दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। और इन्होंने आज तक पूरे घर परिवार समाज को लेकर के चले हैं और आगे भी हम लोगों को रास्ता दिखलाते रहें, यही हमारी काम।